नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग आपको एजुकेशनल वीडियोस, टॉपर स्टॉक, ब्लॉगिंग और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हम लोगों ने 2022 सीयूटी की प्रिपरेशन कराया, अब 2023 का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। दोस्तों 2022 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में कम से कम अच्छे रैंक के साथ 50 से ज़्यादा बच्चों ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया, और उसी के साथ साथ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बीएचयू में एडमिशन लिए, और अभी बीएचयू का एडमिशन चल रहा है जिसमें बीएचयू पाठशाला की पूरी टीम उनकी काउंसलिंग में पूरी मदद कर रहा है। अब अगर हम लोग 2023 की बात करें तो सबसे खास बात होने वाली है, वो है इस बार आपको एक एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी मिलने वाली है। 2022 में सीयूटी पहली बार इंप्लीमेंट हुआ तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं जो सिलेबस है उसमें आपको कमी देखने को मिला होगा। कहीं ना कहीं ऑफिशियल सिलेबस हमें बहुत अच्छे से नहीं बताया गया, और बताया भी गया तो काफी लेट हुआ, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहे 2022 में। लेकिन 23 में ऐसा नहीं होगा, 23 में टीचर्स को भी एक्सपीरियंस हो गया है क्या पूछा जाता है, कैसे पढ़ना है, और 22 के जो बच्चे हैं जो 23 में बैठेंगे उनको भी आइडिया हो गया है कि हाँ सीयूईटी 2023 में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग यानी बीएचयू पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे मिलकर पढ़ाई करेंगे। बीएचयू पाठशाला की खास बात और है कि यहाँ की जो टीचिंग फैकल्टी है वो पूरा का पूरा बीएचयू विश्वविद्यालय से ही है, यानी आपको स्टूडेंट ही पढ़ाएंगे। स्टूडेंट से पढ़ने का एक अलग अपना एक्सपीरियंस होता है, वो आपकी बातों को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं और डेली बाय डेली नए नए रिसर्च करके ला के आपको देते हैं। उनका जो माइंड है वो बहुत फ्रेश होता है, तो ऐसे में आपको एक फ्रेश चीज़ें पढ़ने को मिलेगा और एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो प्लीज बीएचयू पाठशाला के 2023 सीयूटी प्रिपरेशन के इस शानदार बैच को ज्वाइन करें, और पूरी डिटेलिंग आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बीएचयू पाठशाला 2022 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में 100 से ज्यादा लोगों का एडमिशन दिलवाया, साथ ही साथ अभी इलाहाबाद स्टार्ट नहीं हुआ है काउंसलिंग, और बीएचयू की भी अभी एफिलेटेड काउंसलिंग चल रही है, तो ऐसे में ये जो सिलेक्शन का रेट है ये बढ़ेगा। हम लोगों ने अगर पिछला और रिकॉर्ड देखा जाए तो EWS फर्स्ट रैंक आदित्य बीएचयू पाठशाला से, अंजलि चौरसिया MMB में आज पढ़ रही है, वो भी हमारे यहाँ से पढ़ी और फर्स्ट रैंक अपनी कैटेगरी गर्ल्स कैटेगरी की फर्स्ट रैंक रही है। तो हमेशा से कहीं ना कहीं टॉपर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा संख्या में सिलेक्शन रहा है। इस बार एक और खास बात ये रहेगी कि हमारे यहाँ जो फीस है वो बहुत कम कर दिया गया है, वो इसलिए कि हम लोग जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है वो चाहती है कि हम लोग आने वाले सालों में सीयूईटी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करा पाए। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बीएचयू पाठशाला अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी चॉइस बहुत बेस्ट है, और बाकी डिटेलिंग आप लोग धीरे धीरे चैनल के हिस्ट्री में जाकर चेक करना, और मैं इस कोर्स लॉन्चिंग के वीडियो में आपको समझाता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने इस बार UG एंड PG दोनों कोर्स लॉन्च करेंगे, साथ साथ हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस मैं CUET, PUG एंड PG कवर कर रहा हूं जिससे कि आप लोग का कॉन्सेंट्रेट बना रहे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पोर्शंस मैंने लिख रखा है कि क्यों बीएचयू पाठशाला ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउट सेशन मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा जो कि रिवाइज्ड है 2022 के बेसिस पे, ठीक है। साथ साथ हम लोग इसमें आपको लाइव इंटरेक्शन भी रखेंगे, मटेरियल्स देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, और पूरा सिलेबस वीडियोज के फॉर्म में आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे हमारा जो कोर्स है सीयूटी प्रिपरेशन, जो पहले ही नंबर पे आता है इस एंट्रेंस वाले पोर्शन में, और हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी कवर कर रहे हैं और हम लोग स्कूल एंट्रेंस को भी कवर कर रहे हैं, जैसे कि JNV जवाहर नवोदय विद्यालय CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल BHU का जो है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है जिसपे आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, 9151780747। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके कोर्स इंक्वायरी करना है, BHU पाठशाला का ऑफिशियल नंबर है। इफ एनी डाउट सो गाइज आप लोग इस नीचे वाले नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नीचे वाले भी कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कोर्स ज्वाइनिंग के लिए इस नंबर पे ही आप लोग ट्राई कीजिएगा। ज्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आप लोग यहां भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सीयूटी प्रिपरेशन हमारा इस बार का मेन एम रहेगा, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करा पाए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, और साथ साथ सबसे बड़ी बात है प्रिपरेशन बहुत लोग कराते हैं। मजे की बात यह है कि आपको नए नए विश्वविद्यालय के बारे में इंट्रोड्यूस कौन करा रहा है, एक छोटे से ही सिलेबस को पढ़ के आप ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय में कैसे जा सकते हो, क्योंकि ये सबको आइडिया नहीं है कि डोमेन क्या है, GT क्या है, लैंग्वेज क्या है, इस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्या है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्या पढ़ें,
ये तमाम चीजें उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी, जो आपको पढ़ाने के साथ साथ ये पूरी रास्ता दिखाए, हाँ भाई इस रास्ते पे चलोगे तो आपको कम से कम 5 यूनिवर्सिटी का फायदा हो जाएगा। क्योंकि 2022 के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा परेशान रहे, समझ लो इनका जीवन पूरा संघर्षों का रहा है ये 6 महीने वाला। सो प्लीज 2023 के जो बच्चे हैं उनको हम लोग स्टार्टिंग से पूरा गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जुड़े और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि और विद्यार्थियों को फायदा भी हो जाए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सीयूटी का 2023 बीएचयू पाठशाला बैच लॉन्च नहीं कर रहे हैं, काफी लेट हो रहा है। तो हम लोग अपने 2022 के बच्चों का एडमिशन की पूरी प्लानिंग में लगे हुए थे क्योंकि उनकी काउंसलिंग में उनकी मदद करना था। तो फाइनली आज वो दिन आ गया, हम लोग विभिन्न विश्वविद्यालयों को कवर करेंगे जैसे बीएचयू, जेएनयू, एयू, जेएमआई, बीबीएयू। ध्यान देना इस बार कुछ बच्चे बीबीयू को थोड़ा नीचे ले रहे थे, लेकिन बीबीयू ने भी अपना इतना स्टार्डम कायम किया बच्चे इसमें भी एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए। उसके साथ साथ हम लोग ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को भी कवर किया है, साथ साथ डीडीएयू, एलयू, एएमयू एंड बहुत सारे अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ नया क्या हो रहा है, कुछ स्टेट एग्जाम्स को भी कवर करेंगे जैसे यूपी पेट। रीजन ये है कि 12वीं के जस्ट बाद आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल हो जाती है, इस एग्जाम को आप दे सकते हो और इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो सीयूईटी से काफी ज्यादा मैच करता है, यानी बेसिक सिलेबस है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आए। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ हम लोग स्कूल एंट्रेंस को भी फोकस करेंगे, चाहे उसमें सेंट्रल स्कूल आते हो चाहे कुछ पर्टिकुलर स्कूल, चाहे बीएचयू वाला आता हो, सीएचएस हो गया, सैनिक हो गया, जेएनवी हो गया, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। अब बात करते हैं आज के मुद्दे का जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है और बच्चे जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से कोर्स ला रहे हो इस बार। देखो सबसे ज्यादा जो फेमस कोर्स है सीयूटी में, सबसे ज्यादा इसमें फॉर्म पड़ा वो है आपका बीए। दोस्तों बीए में लगभग अगर हम लोग बच्चों को कॉमन करके देखें, यानी एक बच्चा अलग अलग कोर्स में गया हुआ है और एक बच्चा कई सारे कोर्स में भी गया हुआ है, तो ऐसे में बीए सबसे ज्यादा फॉर्म डालने वाला ये था। इसमें इंग्लिश ऑनर्स के लिए बच्चों की डिमांड सबसे ज्यादा थी, 6 लाख के आसपास। तो देखा जाए तो बीए हम लोग सबसे अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद बीए एलएलबी को कवर कर रहे हैं और एलएलबी 3 इयर्स को बीएड, बीएससी, वीवॉक। दोस्तों वीवॉक के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। वीवॉक में जिनका आइडिया नहीं है कि क्या होता है वो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आने वाले कमिंग डेज में जब कोर्स लॉन्च स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करो, प्रिपरेशन करें, क्योंकि वीवॉक एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको करियर बनाने के लिए। बीकॉम ऑलरेडी आपको पता ही होगा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जिसमें हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की प्रिपरेशन कराएंगे और अदर यूजी कोर्सेज जो हमारे रह गए हैं एग्रीकल्चर वगैरह, बीएससी मैथ बायो, उसकी भी प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे। पीजी में अप्रॉक्स लगभग एमए के हर एक कोर्स को लॉन्च किया जाएगा। अभी जो हमारे यहाँ करेंटली स्टार्ट होने जा रहा है जस्ट तुरंत वो है, ध्यान रखिएगा, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए ज्योग्राफी, एमए फिलॉसफी, एमए साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इसके साथ साथ हम लोग एमए हिंदी और इंग्लिश को भी देखेंगे। इसके बाद अगर कोई एमए का कोर्स अगर आपको यहां पर नहीं दिख रहा है तो ये वीडियो आज शूट हो रहा है, हो सकता है आप 1 महीने बाद इस वीडियो को देखो तो आप लोग इंक्वायरी कर लेना, वो कोर्स तब तक अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये लोग देख रहे हैं यूजी वाले तो पीजी को भी सजेस्ट करें और पीजी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूजी को सजेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि इस बार आपका पेमेंट बहुत बचने वाला है। हम लोग की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही मिनिमम फी में रखी गई है जिससे हमारा बस स्टूडियो का खर्चा निकले और हमारे जो मेंटर्स हैं वो अपना एक एनर्जी दिखा सके पढ़ाने में। बाकी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपको पता है बीएचयू पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे के पूरे जो फैकल्टी मेंबर हैं वो जस्ट स्टूडेंट, और जस्ट स्टूडेंट नहीं होता है, उनका जो माइंड होता है वो इतना फ्रेश होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एक नया इतिहास खड़ा कर सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं ऑफिसर या पर्ना सर को मैं ले लूं, फ्रेश माइंड मिलेगा, जो उनका आइडिया है पढ़ाने का, जो टीचिंग स्टाइल है, आदित्य सर को ले लूं, आदर्श सर को ले लूं, जो नॉलेज है, यानी उनको आप और आप उनको दोनों लोग कोलैबोरेशन में बड़ा अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि माइंड फ्रेश है। वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट करने का, बस आपको ट्राई करना है अपना बेस्ट देने का, बड़ा ही मजा आने वाला है। सो आगे जो लैंग्वेज के टीचर हैं या अभी हम लोग जो नए टीचर भी हायर करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके क्रैश कोर्स के लिए, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो ये पूरी जो प्लानिंग है वो बीएचयू पाठशाला पे होती रहेंगी और आप इससे जुड़ के बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो ये हमारा जो स्लाइड है ये हमारे क्लासेस का है, कोर्सेज का है, जो आपकी पूरी प्लेलिस्ट है वो इस तरीके से फॉर्मेट में मिलती है। जैसे विशाल सर हैं, विशाल सर अक्सर पॉलिटी पढ़ाते हुए ज्योग्राफी को भी इंट्रोड्यूस करते रहते हैं,
क्योंकि उनके पास दोनों सब्जेक्ट्स के अच्छा नॉलेज है, तो बताने लगेंगे कि हाँ इंडिया में देखो इस लोकेशन पे ये है। तो कहने का मतलब है कि एक मिक्स नॉलेज मिलेगा। और चूंकि सीयूटी आने के बाद जीटी पोर्शन को देखा जाए तो उसका सिलेबस भी पूरा का पूरा मिक्स सिलेबस है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये है पर्ना सर की क्लासेज, ठीक है। तो फाइनली सीयूटी 2023 जो लेटेस्ट अपडेट है, कंटिन्यूअस हम लोग अब सिलेबस से आज से अनाउंसमेंट है, कंटिन्यूअस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो यूट्यूब पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिनको भी बीएचयू पाठशाला ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है और मैंने आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिखाया था, नंबर आगे भी मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और आने वाला अपना स्वर्णिम भविष्य का इतिहास रच सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक और चीज बता देता हूं, वो है बीएचयू पाठशाला का एप्लीकेशन जिसपे हम लोग आपकी क्लासेस कराते हैं, वो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल। आप सर्च करो बीएचयू पाठशाला, आपको मिल जाएगा, बीएचयू पाठशाला का लोगो लगा होगा, उसे आप डाउनलोड करना और उसके बाद आप उसकी रेटिंग करते हुए आप उसमें मैसेज करके अपनी कोर्स की इंक्वायरी भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप इस नंबर से भी इंक्वायरी कर सकते हो, फर्दर आपको बैच कोड भेज के आपको ऐड करा लिया जाएगा। तो आप आगे का जो प्रोसेस है वो कॉलिंग के थ्रू है या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू है समझाया जाएगा। तो ये जस्ट एक अनाउंसमेंट था बैच सीयूटी 2023 के लिए, हम लोग इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस देने वाले हैं। और आज से अनाउंसमेंट इस चीज का भी है कि सीयूटी 2023 का कंप्लीट सिलेबस अपडेट एडमिशन रिलेटेड पूरा हर कुछ बीएचयू पाठशाला के इस ऑफिशियल चैनल पे दिया जाएगा। तो मुस्कुराते रहें, बीएचयू पाठशाला का हर एक वीडियो देखते रहें और इस वीडियो को और जितने बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और जो उम्मीद करते हैं देखिए, लाइक कीजिए और अपने स्टेटस पे लगाइए और आइए मिलके हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। मुस्कुराते रहें, हर हर महादेव, श्री कृष्ण, राधे राधे, बहुत सारी शुभकामनाएं।